अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसे हमने आपको बोला था कि मैं आपको आदिल भाई से मिलाऊंगा, जो मैं आपको हर रोज़ दिखाता हूँ चाय के साथ और हरीसे के साथ खाते हुए रोटी, वो आज मैं बताऊंगा यहाँ पर कैसे बनती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ठहरे अब बताता हूँ। ये देखिए आप, ये रोटी कश्मीरी रोटी बन रही है, देखा, उंगलियों से उसको ऐसे निशान डालने के बाद ये तंदूर में गई। ओह माय गॉड, तू क्यों बोल रहा है? देखिए बोला ही नहीं, ये गई, वो देखिए उसमें निकाली, ओ वापस गिर गई, ये इसे तैयार हो रही है। ये बाहर आ गई, ये देखिए आदिल भाई ने फिर से लगाई, फिर ये देखिए निकल रही है, लाल होती है तंदूर, इसी को बोलते हैं तंदूर, जो मैं आपको कश्मीरी तंदूर बता रहा है। ये खशखाश लगाते हैं, ये दूध है, ये बाहर, जरा मुझे दे दो। देखिए ये तंदूर में रोटियां पक रही हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह यहाँ कश्मीर में यही लोग खाते हैं। आदिल साहब, ये कितने की मिलती है? 5 का 1। और लवास भी होता है? हाँ, वो भी 5 का 1। हुआ खत्म। ये देखिए, ये चढ़ाने वाला बंदा भी इधर है। भाई जिसने मुझे पागल कर दिया। मैंने आपको भी बताया क्वालिटी कैसे है, ठीक है। चलिए हम आ गए हैं, ओके। करूंगा एक और। सो गाइस, हमने जैसे आपसे बताया था कि हम आपको कश्मीरी रोटी बनाते हुए दिखाएंगे, तो हमने आज आपको दिखाया, तो आगे भी मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहूँगा। तो अगर आपको ये पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और शाम को हम आपको एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे, तो अगले ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए आप इसे एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, ओके व्यूअर्स, बाय।